आपका हमारे YouTube चैनल लालच फटाफट में। तो AK2 रिजल्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ गाइज, रेगुलर और कैरी ओवर में आज की डेट में शाम तक किन छात्रों का रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्या अपडेट आ रही है, सब कुछ वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसका रिजल्ट आज शाम तक डिक्लियर कर दिया जा सकता है। उसके साथ AK2 की वेबसाइट कई दिनों से नहीं चल रही है, तो छात्र बोल रहे थे कि सर वेबसाइट चल क्यों नहीं रही है, रीज़न क्या है, कब तक सही होगा। तो फाइनली AK2 की टीम की तरफ से बयान आ चुका है कि साइट क्यों नहीं चल रही है और साइट आपकी कब तक सही हो जाएगी। तो सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सबसे सही सटीक जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं कि वेबसाइट जो है चल क्यों नहीं रही है और कब तक सही होगी, इस पर AK2 की टीम का क्या बयान आया है। उसके बाद बात करेंगे आज किसका रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेज है। तो देखो, AK2 वन व्यू ERP मैंने क्रोम पर सर्च किया, जैसा कि आप लोग भी बोले सर वेबसाइट नहीं चल रही है, तो मैंने भी सर्च करके यहाँ पर चेक किया। ERP का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, ERP पर पहले हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इशू आ रहा है। तो गाइज, उसके बाद फिर से बैक करके जब मैंने फिर से ट्राई किया AK2 ERP का पोर्टल खोलने के लिए, रिजल्ट चेक करने के लिए, तो देखो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। बहुत सारे छात्रों के पास भी ऐसा आया होगा, जब आप रिजल्ट चेक करने जाओगे तो बहुत सारे लोगों में वो 404 करके जो इरर आता वैसा शो कर रहा है, किसी में साइट ही नहीं खुल रही है, और कुछ लोगों में ऐसा भी आया होगा किसके किसके में ऐसा ऐसा शो किया, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर फाइनली मैंने चेक किया और यहाँ पर देख लो, क्लियर AK2 की टीम की तरफ से ये मैसेज आया है, वी विल बी बैक सून, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट वी आर परफॉर्मिंग सम मेंटेनेंस एट द मोमेंट, वी विल बैक ऑनलाइन शॉर्टली। यहाँ पर AK2 की टीम नीचे लिखा गया है, मतलब AK2 की टीम बोल रही है कि इनकन्वीनियंस के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, अभी हम लोग कुछ वेबसाइट पर मेंटेनेंस कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, वी विल बी बैक ऑनलाइन शॉर्टली, हम जल्द ही वापस ऑनलाइन आ जाएंगे, मतलब जल्दी आपकी साइट काम करने लग जाएगी, इधर लिखा गया है AK2 टीम, समझ गए। तो वेबसाइट पर काम चल रहा है, आपको बता दूँ कुछ कुछ टाइम के लिए साइट चल रही है, अभी सुबह चल रही थी, कल कुछ टाइम के लिए साइट चली थी, जब BTEC 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया था तब भी साइट चली थी, आपको पता होगा। तो ऐसे करके कुछ टाइम साइट चल रही, थोड़े टाइम के लिए फिर बंद हो जा रही है। तो अब बात करते हैं रिजल्ट किसका आज आ सकता है। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आज बी फार्मा के 7th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे BTEC का देखो क्या हुआ था, एक दिन पहले ही रात को ही रिजल्ट आ गया था, लेकिन साइट चल ही नहीं रही थी, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया, लेकिन उसके अगले दिन जब साइट कुछ टाइम के लिए चली तब पता चला। तो बी फार्म का भी आज ऐसा अपडेट आ रहा है कि शाम तक रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा, अगर साइट चलती तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं चलती है तो कल आपका शो करने लग जाएगा रिजल्ट, ऐसा अपडेट आ रही है। 100% श्योर नहीं है कि आ जाएगा, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि आज शाम तक AK2 के बी फार्म 7th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद AK2 के बी फार्मा 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, फिर MBA का आएगा, फिर जाके कैरी ओवर की बारी आएगी। तो जितने लोग पूछ रहे हैं कि हमारा कैरी ओवर का 7th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर का कब आएगा, तो कैरी ओवर के लिए जब तक रिजल्ट पूरे नहीं आ जाते बी फार्मा के, रेगुलर के, BTEC के और MBA के, तब तक आप लोग कैरी ओवर के रिजल्ट की उम्मीद मत रखिए, समझ गए। रेगुलर का जब रिजल्ट आ जाएगा तो कैरी ओवर की अपडेट आएगी, मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है ये भी क्लियर हो गया, ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लूँ, वहाँ पर ये भेज दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी जाते जाते यही बोलूँगा यार, AK2 के फील्ड में सबसे भरोसेमंद चैनल आपको यही मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं भी आप लोगों को सही सटीक जानकारी दे सके। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और